जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लेक्चर नंबर 23 आज स्टार्ट होगा, और इस लेक्चर 23 में आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो एग्जांपल नंबर 22। ठीक है, तो आप देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 22 आज आप देखेंगे लेक्चर नंबर 23 में। कल का अपना जो पोर्शन था वो आपको बता रखा है मैंने, ठीक है ना। तो उसी में एग्जाम्पल आ रहा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो y इज इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स x टू प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस के ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत नहीं, हमें उसको प्रूव करना है। और आपको बता दूं यहां पर आपको कैसे पता लग रहा है, ये डबल डिफरेंशियल है बेटा। y2 कैसा है, डबल डिफरेंस d2y dx स्क्वायर, y1 क्या है dy dx। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं हो तो आप लिख लें, अदरवाइज ना लें इसको, y2 और dy dx। मैं स्पष्टी कर दे रहा हूँ आपको, तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं जिससे आपको बार बार दिक्कत नहीं आया। अब क्या करेंगे, वही डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट dy dx। देखिए बच्चों आराम से लिख देंगे, साइन सबसे पहले हम किसका करेंगे, साइन का। तो साइन का क्या हो गया, कॉस ए साइन इनवर्स एक्स डी डी एक्स ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए साइन इनवर्स एक्स और इनटू, अब देखिए ए तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया था अभी पिछले ही क्वेश्चंस में, जब भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स के डिफरेंशिएशन करें तो ये अपॉन में आते हैं। तो हम यहाँ भाग नियम ना लगा करके थोड़ा सरल करने के लिए इसका मल्टीप्लाई हम इस तरीके से कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है अपेक्षाकृत भाग विधि से। तो ये डी वाई डी एक्स और ये बन जाएगा ए कॉस ए साइन इनवर्स एक्स। कोई प्रॉब्लम, अब आप देखिए अपना टर्म इस तरह से बन गया, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से पुनः एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर। तो जब हम इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स और इसका हो जाएगा रूट एक्स मान के करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका करेंगे तो माइनस के 2x, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन और ए साइन इनवर्स एक्स और इसका डी डी एक्स करेंगे तो ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये एंगल है तो इसका रीडिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिख गया है तो चैन रूल यहाँ पे लगना स्टार्ट, चैन रूल इज द स्ट्रॉन्ग मेथड डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। मैंने पहले ही लेक्चर से कहना शुरू कर दिया था, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। ये देखिए दो से दो कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर और बच्चों ये दो से दो कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। और ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट से बाई, देखो ये साइन यहाँ से देख लेते हैं, साइन ए साइन इनवर्स एक्स तो क्या बन जाएगा, माइनस ए का ए में गुणा करेंगे क्या बन गया ए स्क्वायर और ये क्या बन गया वाई और अपॉन में क्या है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से समझ लें, ये क्या बन गया समीकरण एक से वाई, ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर ए स्क्वायर वाई अपॉन में क्या है अंडर रूट, ऐसा मत करना यहाँ से काट दें उड़ा दें ना,
एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे बच्चों, तो या करके यहां बन जाएगा 1 - x2। देखिए अंडर रूट का अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो d2y dx2 - x dy dx, कोई परेशानी नहीं है, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और माइनस के ए स्क्वायर वाई। ये देखिए एलसीएम क्या आया था, अंडर रूट 1 - x2, और यहां क्या था, अंडर रूट 1 - x2। बोथ साइड कैंसिलेशन, ठीक है, तो कैंसिलेशन बोथ साइड कर दिया मैंने, अंडर रूट 1 - x2। तो यहां पर जो बच रहा है, अब देखते हैं या करके लिखते हैं, तो 1 - x2 d2y dx2 - x dy dx + a2y = 0। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होंगे, सर मेरा तो आंसर ये नहीं आ रहा है। आप परेशान नहीं हो, आंसर यही है, मैंने अभी अभी आपको बताया। हम शुरू से भी बाई वन ले सकते हैं और नहीं तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, या करके 1 - x2 और इसको y2 xy1 और a2y = 0। हैंस प्रूफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 6 मार्क्स के लिए, बोर्ड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है बच्चों। बच्चों एक्सरसाइज 7.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 8, मतलब 2 से स्टार्ट है और 8 कंप्लीट लास्ट तक चलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कहा था, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड d2y dx2, यानी कि डबल डिफरेंशियल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में ए मतलब पार्ट दिए गए हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, यदि आपने कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया, और यदि आपने नहीं किए हैं तो जो मेरी एक प्रॉब्लम क्लास होगी लास्ट में, जिन जिन एक्सरसाइजों में आपको प्रॉब्लम है उनके आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, मैं सारे क्वेश्चन उस प्रॉब्लम क्लास में लास्ट में कर दूंगा, ठीक है। फिर भी आपको लगता है मुझे पूछना है तो आज ही कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि 6 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है, हमारी बोर्ड में 6 नंबर का मतलब है 1% से अधिक मार्क्स, तो एक ही क्वेश्चन करने पर। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, y = sec 1/cos लिख लेंगे, प्लस sin x / cos x, फिर हमने क्या किया y = cos x LCM ले लिया, यहां पे हो गया 1 + sin x, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब जैसे ही ये हमारा बन गया तो अब हम क्या करेंगे, हमें डबल डिफरेंशियल तो लाना ही है, यहाँ मैंने जैसे देखा आंसर की तरफ, प्रूफ क्या करना है, तो हम जैसे ही शुरू करेंगे तो इसमें डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड भी कह, तो dy dx = क्या करेंगे, cos x² g(x)² यानी कि क्विसेंट रूल का प्रयोग कर दें, भागफल नियम द्वारा अवकलन, g(x)² g(x) ddx 1 + sin x -1 + sin x ddx(cos x). तो अगर हम यहाँ देखें तो dy dx = cos x और sin x का भी क्या हो जाएगा, cos x, क्योंकि 1 का 0 हो जाता है, -1 + sin x और cos x का हो जाएगा -sin x अपॉन क्या लिख सकते हैं, cos²x dy dx = ये बन जाएगा cos²x cos²x cos x into cos x, और यहां देखो -, -, +, और -, -, + हो गया, sin x का 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, sin x, और sin x का sin x में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, sin²। कुछ बच्चों के दिमाग में तुरंत आ गई होगी कि सर ये क्या बनने वाला है ना, क्या बनने वाला है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या बन गया, sin²x + cos²x यूजिंग
आइडेंटिटीज, ठीक है, तो यूज कर देंगे। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, और वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इतनी बात मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ छोटी सी एक ट्रिक है, कौन सा बच्चा बता सकता है, कोई है ऐसा? बहुत ही सरल प्रश्न है, आप आंसर की तरफ जाइए, क्या लाना है, नीचे वन माइनस साइन एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स, अभी अभी जो आइडेंटिटी आपने यूज की है उसी को चेंज कर दो, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर। इलेवेंथ में मैंने आपको बहुत डेढ़ महीने ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ाई है बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़ते तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी, और जब तक ये पता नहीं रहेंगी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता बच्चों, चाहे आप एक बार कहलवा लो मुझसे चाहे 1000 बार। नीचे आता है तो ये लिखा हुआ है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर से देखो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्मूले का प्रयोग किया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो डी वाई डी एक्स वन प्लस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स। बोलो, ये वन प्लस साइन एक्स से वन प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो डी वाई डी एक्स वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स। अब अपने पास क्या मिला, ये डी वाई डी एक्स, लेकिन हमें तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए भाई, अभी तो ये अधूरा सवाल है ना, कोई बात नहीं, अगेन अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे डबल तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और फिर से क्वीसेंट रूल भागफल नियम लग जाएगा, तो यहाँ वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखना, तो यहाँ आ जाएगा जी ऑफ एक्स, और जैसे ही हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे वन का तो जीरो हो जाएगा, और माइनस वन, और जैसे ही इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जीरो माइनस क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। ध्यान से देखो ये क्या बन गया, वन का हो गया जीरो और साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। तो डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जीरो बन गया और जीरो माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या आ गया, कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, या इसी को हम लिख देंगे कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हेंस प्रूफ, आप मिला लीजिए डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इस सवाल को मैंने किया है, बहुत ही शानदार सवाल है, आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं, नोट डाउन करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आप लोग करेंगे, मैंने आपके लिए छोड़ दिया, यदि y इज इक्वल टू ए कॉस एन एक्स और v साइन एन एक्स, तो सिद्ध कीजिए डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो आपको डबल डिफरेंशियल ही करना है, तो पहले एक बार करेंगे वही प्रोसेसिंग, तो डी वाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा, और एक बार और कर देंगे तो y का मान समीकरण एक से रख देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। एक और अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शानदार प्रश्न कह सकते हैं आप इसको, देखें जब भी आप करें तो इसमें खास बात क्या होगी वो आपको देखनी, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खास बात होती है, उसकी प्रकृति कुछ ना कुछ अलग होती है, तो उस प्रकृति को पहचानना, उसके नेचर को जानना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब तक हम क्वेश्चन की अच्छी तरह आइडेंटिटी नहीं कर पाएंगे तो हम सवाल करना मुश्किल है। तो हम बात करेंगे यदि एक्स बराबर, तो पहले तो हमें ये बताएं कुछ बच्चे कि ये किस एक्सरसाइज का प्रश्न है। चलिए इस एक्सरसाइज का प्रश्न है, आप कहेंगे सर अरे सर आपने कैसी बात कर दी है, लिख रहा है डबल डिफरेंशियल पूछ रहे हो हमसे, वो सही है, ये डबल डिफरेंशियल है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, परंतु मैं पूछ रहा हूं ये किस टाइप के फंक्शन है, किस एक्सरसाइज में पढ़ के आए हो, नहीं है पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक फलन या प्राचलिक समीकरण। देखो x और y के अतिरिक्त ऐसे समीकरण जिनमें x और y के अतिरिक्त
अन्य चर राशि उपस्थित होती है, ऐसे सभी फलन प्राचलिक फलन या ऐसे सभी समीकरण प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। तो आप देखिए जहां थीटा प्राचल है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, थीटा के सापेक्ष एक्स का और वाई का डिफरेंशिएशन करना होगा और प्राचलिक फॉर्म का डी वाई डी एक्स लगाना होगा, उसके बाद डबल डिफरेंशियल की बात करेंगे। देखो भाई हाँ आगे ना बात समझ में, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, तो हमने जैसे ही किया तो डी एक्स डी थीटा थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, तो डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लें। अब y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अब निकालेंगे डी वाई डी थीटा, तो इसका हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, तो डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन यही रहेगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, इसको यहीं पे क्लोज कर लें। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हमें निकालना क्या है, तो इसलिए हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हो वी नो दैट, क्या जानते हो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू प्राचलिक रूपों के अवकलज से डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा, वेयर डी एक्स डी थीटा डज नॉट इक्वल जीरो। ये तो गणित की खास बात होगी बेटा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी है डी वाई डी थीटा का मान रखना है, तो थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो ध्यान से देखें थ्री से थ्री ए से ए एक साइन से एक साइन एक कॉस से, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और अपॉन, देखो एक कॉस बचा यहाँ एक साइन बचा, तो क्या बन गया माइनस के टेन थीटा। यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? ये कौन सा सवाल बन गया, प्राचलिक रूपों में यानी कि जो अवकलज किए थे आपने वो है फलनों के अवकलज। तो अब हम बात करेंगे कि हमें तो ये चाहिए ही नहीं, और देखो कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ हर क्वेश्चन की सिचुएशन हर क्वेश्चन का नेचर अपने आप में अलग है, जैसे इसने ये चीज कही तो कुछ बच्चे क्या करेंगे थीटा इक्वल टू दिया गया है रख दो वैल्यू आ जाएगी, नहीं आप थीटा रखते ही कॉस पाई वाई क्या बन जाएगा कांस्टेंट फंक्शन बन जाएंगे और उनके जीरो हो जाएंगे, क्या मिलेगा, ऐसा नहीं करना। इसने ये कहा कि ये और ये तब थीटा इक्वल टू पाई वाई फोर पर यानी कि डबल डिफरेंशियल ज्ञात करने के बाद तब हम थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे तब हमें जा करके डबल डिफरेंशियल प्राप्त होगा, दैट क्लियर, आज के बाद मेमोरी में डाल लें अपने। तो यहां से अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जैसे ही आप करेंगे, है कोई बहादुर बच्चा जो बता सके मेरी बात को, हाँ जी डबल डिफरेंशियल करना है किसका करना है टेन थीटा का और किसके सापेक्ष करना है रेस्पेक्ट में एक्स के, बहुत अच्छी बात आने वाली है बेटा, बहुत अच्छी बात आने वाली है, ट्रिक छोड़ी छोटी सी ट्रिक, तो देखो ट्रिक तो कुछ नहीं है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करना है ये बड़ी बात है। तो यहां पर देखेंगे टेन थीटा और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो भाई सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा के सापेक्ष नहीं कर रहे हो आप एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, तो यहां क्या आएगा डी थीटा डी एक्स। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तब तक हम आश्वस्त ना हो जब तक हम ये देख लें किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे सवाल के अंदर। तो यहां देखो यूजिंग फ्रॉम फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट और सेकेंड डाल सकते हैं क्योंकि हमें यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है डी। तो अब बात फिर से दिक्कत में आ गए कि यूजिंग सर यहां तो डीएक्स डी थीटा लगा तो क्या हो गया डी थीटा डीएक्स क्या हो जाएगा वन अपॉन में चला जाएगा,
ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस यानी कि डी एक्स डी थीटा अर्थात डी थीटा डी एक्स, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितनी हो जाएगी, तो यहां पर चूंकि डी थीटा डी एक्स लिख लेना माइनस वन अपॉन थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस वन अपॉन थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहां देखेंगे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और सेक स्क्वायर थीटा अपॉन थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। तो देखो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा और नीचे से सेक स्क्वायर आएगा तो कितना होगा पावर फोर और थ्री ए साइन थीटा। ये आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो गया एट किस पॉइंट पर थीटा इज इक्वल टू पाई वाई फोर, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर तो सेक पाई वाई सेक की पावर फोर और पाई वाई फोर ठीक है और थ्री ए साइन पाई वाई फोर। यहां बात करते हैं सेक पाई वाई फोर की वैल्यू यानी कि कॉस पाई वाई फोर की क्या होती है वन अपॉन रूट टू, तो सेक की क्या हो गई रूट टू, तो रूट टू की पावर चार अपॉन थ्री ए वन अपॉन रूट टू। ध्यान से देखिए भैया नेक्स्ट लास्ट लाइन चल रही है रूट टू की पावर फोर, रूट टू का स्क्वायर कितना हो गया टू, तो रूट टू का स्क्वायर कितना हो गया टू, टू टू जा फोर चार हो गया और यहां पे कितना आ जाएगा रूट टू पर पहुंच जाएगा फोर रूट टू अपॉन थ्री ए, यही इसका एग्जैक्टली आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बोर्ड की दृष्टि से निश्चित रूप से 2021 तक आ सकता है, बहुत ही शानदार। नोट डाउन कर लें आप सभी लोग। हाँ तो बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन में बताऊंगा और आठवां सेम है, ये आरबीएससी 2016 में आया था ठीक है 5 मार्क्स का, अब आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा आरबीएससी में। तो बात करेंगे तो अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स की, तो एग्जाम्पल नंबर सेम टू सेम 21 है, बस सुधार ये कर लेना ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई बराबर जीरो, तो जो प्रूफ करा रहा है उसमें थोड़ी सी गलती है, मिस्टेक है, टू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए क्यूब एक्स वाई है, क्या है ए स्क्वायर लिख रहा है उसको ए क्यूब कर लें ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है। जिस तरीके से एग्जाम्पल 21 मैंने कराया थोड़ा बड़ा था, लेकिन अगर आप सही तरीके से उसको करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। और जो सातवां और आठवां प्रश्न है बिल्कुल सेम टू सेम है, डिट्रो है, तो आप देखेंगे चाहे सातवां पूछ लो चाहे आठवां, मैं आपको फिलहाल सातवां इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 2016 एनसीईआरटी जब चलती थी आरबीएससी में तब आया था, और आठवां भी सेम है, बस इनवर्स का होल स्क्वायर लगा दिया, तो पहले एक्स स्क्वायर का हो जाएगा फिर साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा, सेम टू सेम डिट्रो एक लाइन उसमें बढ़ती है। तो बात करते हैं हम यहां से सातवें क्वेश्चन की, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ठीक है, एक हो गया डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x डी वाई डी एक्स, जैसे हमने किया तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस है। आप इस क्वेश्चन को देखकर कहेंगे सर ये 5 मार्क्स का आया था 5 मार्क्स का इतना इजी क्वेश्चन, तो बेटा कभी कभी बोर्ड परीक्षा वाले भी हम जैसे ही होते हैं, तो बच्चों को देख लेते हैं और आप दया कर देते हैं और सतरूप में क्वेश्चन पेपर बना देते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं, रिजल्ट भी शानदार हो जाता है ना, तो सारी चीजें देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई बुरा नहीं चाहेगा आपका। तो यहां पे बात करते हैं, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने अभी तरीका बताया था, सबसे पहला सबसे बेहतर तरीका है, देखो भाग विधि जो लगाएं मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरा जो तरीका है वो मैं अपना बता रहा हूं, फंडामेंटली मैं यही करता हूं हर सवाल में, आप देख रहे होंगे मैंने कई सवाल इनवर्स के बता दिए हैं आपको, ये आपका बन गया डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, बस एक ही कमी है आप चुपचाप बैठ रहे थे बोलते नहीं यार, मजा नहीं आता, हाँ कुछ तो बीच में सो जाएगा मास्टर, फिर क्या होगा बोर्ड पे ही सो जाएगा, तो यहां से क्या हुआ टीचर सोने मत दो जगाओ उसको, हम आपको जगा रहे आप हमें जगाओ। तो यहां पर जैसे ही देखा हमने कि डबल डिफरेंशियल करना है तो किस तरीके से करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड भी
गेट। तो हमने ये कर दिया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स, ओके। और इसका हो जाएगा वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया माइनस टू एक्स, और वन का जीरो, इस दो से ये दो कैंसिल हो गया। अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इजक्व टू जीरो। तो जैसे ही मैंने इसको देखा है ना, तो एलसीएम ले लो, या करके एलसीएम लेंगे तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए अंडर रूट का, अंडर रूट मल्टीप्लाई करते ही, और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाए। गिन लो भाई, पांच नंबर का सवाल है और पांच ही लाइन है, एक दो इसको आपने गुणा करके लिख दिया, तीन और इसको सजा के लिख दिया, ये चौथी लाइन, पांचवी लाइन में तो आंसर आ गया, एक नंबर की एक लाइन है भाई साहब, ठीक है। तो आज आपकी एक्सरसाइज 7.5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और 7.3 लॉगरिथमिक फंक्शन की वो भी कंप्लीट हो गई है, 7.4 प्राचलिक में दो तीन क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गई है, और श्रृंखला नियम तो मैंने कराई दिया है। तो बहुत ही शानदार आपकी तैयारी हो गई है, तो आप इसका रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अब हम कुछ सवालों एक्सरसाइज तो आप देख ही रहे होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिया करूँगा तो उनको भी आप करेंगे, ठीक है। इनमें फिर भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए आप इसको पूरा प्रैक्टिस में लें, तैयारी करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।